हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। तो आज भाई बात करते हैं जिससे सारी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, उसके बारे में, कोविड के बारे में। मलेशिया में कोविड का जो टेस्ट होता है 290, 300 से ऊपर होता है। और मैं यार, चलिए दूसरी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लूँ कि भाई कोई भी बंदा बाहर फेक जो कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट होती है वो बाहर ना लेके निकले, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो भाई बेफालतू के पचड़े में पड़ जाएगा। जो फेक रिपोर्ट होती है वो कोई फ्री में मिलती तो है नहीं आपको, वो भी अराउंड मेरे ख्याल से एजेंट आपसे 150-200 तो ले लेता होगा। भाई ना लो यार, कोई फ़ायदा नहीं उसका। अभी बात करते हैं स्पाइस जेट वालों ने, जिन्होंने अभी एक लॉन्च की है नई सुविधा इंडिया वालों के लिए। जो 4,000-5,000 में होता था टेस्ट, वो होगा ओनली 500 रुपये में। अब 500 रुपये में टेस्ट कहाँ पे होगा, अभी इसके बारे में कंप्लीट पुष्टि तो नहीं की है कि भाई कहाँ कहाँ पे करेंगे, पर उम्मीद है कि भाई एयरपोर्ट पे तो ये स्टार्ट नहीं होगा, ये तो लग रहा है मेरे को पर्सनल मेरा है व्यू है। हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे ये बीमारी होती जा रही है, पुरानी होती जा रही है, वैसे वैसे हो सकता है कि थोड़े से और भी कुछ मतलब रेट भी कम हो जाए, फेस मास्क से भी छुटकारा पड़ जाए। अब मलेशिया में तो चलो जी थोड़ी सी सख्ती कम हो चुकी है, इंडिया में तो ओपन ही है सारा कुछ। अब ये वाली जब न्यूज़ आ रही थी कि भाई जो इंडिया का जो टेस्ट है वो 5,000 से डायरेक्ट 500 रुपए में होगा, तो उसी टाइम में महाराष्ट्र सरकार ने एक नई अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई अगर दिल्ली, गुजरात, पंजाब या कहीं से भी कोई बंदा आता है यात्री, बाय रोड, बाय ट्रैवल, बाय ट्रेन, कैसे भी आता है, तो उसको उसका टेस्ट करवाना जरूरी है। किसी भी टोल प्लाजे के ऊपर उसका टेस्ट होगा, एयरपोर्ट के ऊपर उसका चेक होगा, या प्लेटफार्म पे ऊपर रेलवे के ऊपर उसका टेस्ट जरूरी है, चेक हो गई होगा। तो ये नहीं है कि भाई आप मुंह उठा के ऐसे ही चले जाओगे, जो 5,000 था अब वो 500 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो ये तो थोड़ी सी राहत की बात हो रही है। अब वैक्सीनेशन होगी और वैक्सीनेशन के बिना कोई भी फ्लाइट नहीं होगी, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। वो तो चलो बात करती रहते हैं, आपको पता ही है डेली की डेली आपको अपडेट मिलती रहती है, बिकॉज आपने वो रेड वाला बटन ग्रे किया हुआ है ना जिसके ऊपर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो ईजी है सबके लिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये 5,000 वाला टेस्ट मिल रहा है आपको 500 रुपये में, और दूसरा जो 3 दिन में आती थी वो 6 घंटे में मिल रही है आपको ये वाली रिपोर्ट जो स्पाइस जेट लेबोरेटरी खोलेगा। अब कहाँ पे ये लेबोरेटरी खोलेगा ये तो अभी कुछ पता नहीं है, पर फिर भी स्टार्टिंग में इन्होंने लॉन्च किया है कि हम स्टार्टिंग के 20 लैब एकदम स्टार्ट करेंगे जब भी करेंगे। अब ये बात कितनी सॉलिड है कितनी सॉलिड नहीं है, इस बात का आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इस लेबोरेटरी की या इस स्पाइस जेट हेल्थ केयर वालों की जो समारोह उद्घाटन था वो अमित शाह जी खुद आए थे, और इससे पहले जो हमारे नितिन गडकरी मंत्री जी हैं उन्होंने इनकी जो प्लस रेट वाली होती है ऑक्सीमीटर उसकी भी लॉन्च की थी, और उससे पहले जो एक वेंटिलेशन आया था उसकी भी नितिन गडकरी जी ने की थी लॉन्चिंग की थी, समारोह में आए थे। तो मतलब ये जो न्यूज़ आ रही है ना ये कोई मतलब ऐसे नहीं है कि आप इसको ये समझ लो कि यार ये गलत न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ आपको मिल रही है प्रॉपर सही तरीके से। क्योंकि एक होती है कि भाई चलो यार ऐसे ही बोल दिया किसी ना किसी ने उठा के मुंह उठा के, पर नहीं, आप साथ में न्यूज़ देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, आपको प्रॉपर उसका एक प्रूफ मिल रहा है कि भाई हाँ A to Z सारी की सारी ये बातें ऑथेंटिकली सही है। इसमें एक बात मैं और ऐड करता चलूं कि स्पाइस जेट की जितनी भी लेबोरेटरी होगी एक दिन में 3,000 से ज़्यादा जितने भी होंगे वो होंगे टेस्ट होंगे, जितने भी टेस्ट होंगे ICMR द्वारा प्रमाणित होंगे। ये इंडिया की लेबोरेटरी है और ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भाई अब अगर ICMR ने इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया तो मतलब ये सही है रिपोर्ट। तो 500 रुपये में इंडिया वालों, भारत वालों, आपको खुशखबरी और कंग्रेचुलेशन। और भाई आप कंग्रेचुलेशन के चक्कर में ये मत भूल जाया कीजिए यार, जो लिंक है ना उसको शेयर जरूर कीजिए करके अपने व्हाट्सएप के ऊपर, और कहीं करो या ना करो यार कोई मसला नहीं है। तो ठीक है जी, फिर ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टॉपिक और छोटी छोटी बातें लेके मिलते रहेंगे आपको, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।